जनपद जालौन के कोंच में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 126वें जन्म दिवस पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा बौद्ध विहार से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जिसमें भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर युवा नाचते हुए नजर आए एवं बाबा साहेब के जय घोष कर रही थी। इस अवसर पर शोभा यात्रा के आयोजक ओम प्रकाश ने बताया कि सभी लोग बाबा साहेब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने हमेशा दलितों के लिए समान अधिकार, समाज में बराबर का अधिकार दिया है, जिससे कि हम सभी लोग उनका जन्मदिन मनाकर धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन वही उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए बताया कि शोभा यात्रा की अनुमति लिखित प्रशासन से ली गई थी, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा यातायात समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे शोभा यात्रा निकालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना है? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, हम लोग जन्म दिवस शोभा यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं नगर कोंच में, संपूर्ण नगर में, जिसमें प्रशासन के द्वारा हम लोगों ने परमिशन लिया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया हुआ है, प्रशासन ना तो यातायात रोक रहा है, पूरे शहर में यातायात बराबर चल रहा है। अगर कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये स्वयं प्रशासन इसका जिम्मेदार है। मैं स्वयं शिकायत इसकी करूँगा, क्योंकि प्रशासन की ये व्यवस्था है कि यातायात डाइवर्ट करने की, और ना कि मेरे जुलूस की शोभा यात्रा के बीच में या वाहन आए या कोई घटना घटे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं इस शोभा यात्रा का अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्री अमरचंद महेश्वरी इंटर कॉलेज। आपने क्या परमिशन प्रशासन दी थी? जी हाँ, परमिशन है, लेकिन कोई परमिशन है सिर्फ दो कांस्टेबल दिए, कोई दो कांस्टेबल दिए गए हम लोगों को। अच्छा, ये जो आयोजन आपका हो रहा है इसमें कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या हमने लगभग 3000 की लगभग लिख के दी थी। तो रूट क्या है आपका? रूट हमारा जो है यहाँ से बस स्टैंड से चल करके बजरिया चंदकुआ, चंदकुआ से अमरचंद होते हुए बजरिया, बजरिया से भगत सिंह नगर खेरा चौकी होते हुए वापस आएगा, और स्टेट बैंक से घूमते हुए नई बस्ती और नगर पालिका होते हुए गांधीनगर में समाप्त होगा।